दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। आपको सीधी सीधी खबर आसान और सिंपल भाषा में पूरी दुनिया की इसी रिपोर्ट में मिलेगी। दोस्तों आपको बता दूं कि आर्मेनिया और भारत के बीच में अगले 3 साल तक की डील हो गई है। आर्मेनिया अपने कमज़ोर हथियारों की वजह से आज़रबाईजान से कई बार हारा है और आए दिन पिटता रहता है। आसान जबान में आपको बता दूं कि भारत का भले ही इसराइल कितना भी बेहतरीन दोस्त हो, लेकिन इसराइल आज़रबाईजान को हथियार देता है और तुर्की भी आज़रबाईजान को हथियार देता है। तुर्की और पाकिस्तान आज़रबाईजान की तरफ हैं और आर्मेनिया अकेला पड़ता है। ऐसे में आर्मेनिया को हथियार देने वाला कौन हो? अब आपको बताऊं कि भारत की एक बड़ी कंपनी के साथ आर्मेनिया ने डील कर ली है। जानकारी के मुताबिक कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम भारत की जो कंपनी है, हथियार बनाने वाली कंपनी है, उसने तोप बनाने का एग्रीमेंट किया है। आर्मेनिया और भारत के बीच ये सबसे बड़ी डील हथियारों की हुई है। 3 साल तक तोपें बना बना कर भारत की तरफ से आर्मेनिया को दी जाएगी। दोस्तों इससे पहले भारत ने आर्मेनिया को पिनाका डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद भारत के हथियार आर्मेनिया को इतने पसंद आए हैं और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है जिससे वो हथियार ले सके, तो अब जाकर भारत से तोपे भी खरीद रहा है। सवाल नंबर 2 ये होता है कि आखिर आर्मेनिया तैयारी किसकी कर रहा है? तो तैयारी सीधी सीधी बात है, आज़रबाईजान से टकराव की है। भले ही उसने आज़रबाईजान के साथ शांति की डील करी हुई है, लेकिन आर्मेनिया हमेशा ये डील तोड़ता रहता है और हमेशा पिट कर शांत बैठ जाता है। अब आपको बताऊँ कि अब भारत जो हथियार आर्मेनिया को दे रहा है, इस बात से तुर्की पाकिस्तान बुरी तरह से चिढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि भारत ने ये डील कर ली है और 3 साल तक ये तोपें भारत की तरफ से मिलती रहेंगी आर्मेनिया को। उधर भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर रशिया पहुंचे थे। वहां जाकर उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात करी, लेकिन एक जो खास अहम मुद्दा उनके लिए नज़र आया तो उनके मुंह से अफगानिस्तान का मुद्दा ही निकला। आपको बताऊँ कि भारत के विदेश मंत्री ने रूस की सरकार के सामने, पुतिन की सरकार के सामने ये बात रखी कि हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में आतंकवाद तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और अड़ोस पड़ोस के देशों को काफ़ी ख़तरा बढ़ गया है। आपको यानी रूस को इस मुद्दे पर बातचीत करने की ज़रूरत है, इस पर ज़रूर बात करें। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में रशिया अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत करने वाला है। उससे पहले ही भारत ने रूस के कान में ये बात डाल दी है। उधर आपको याद होगा कि चाइना का एयर शो चल रहा है। उस एयर शो में चाइना ने अपना महाशक्तिशाली ड्रोन किलर दिखा दिया है। ख़ास बात यह है और बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन के ज़रिए ईरान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, किसी का भी कोई भी, इसराइल का भी कितना भी घातक ड्रोन हो, वो मारकर गिरा सकता है। चाइना का ये दावा है, उसका वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए। Thank you.
वहीं इंडोनेशिया में G20 की मीटिंग, या ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, G20 की मीटिंग इंडोनेशिया में है और बाइडन ने अपने मुंह से, अपनी चोंच से यह बात कही है कि मैं जब इस मीटिंग में जाऊंगा तो शी जिनपिंग से सामने से पूछूंगा, खुद पूछूंगा कि चीन के लिए रेड लाइन क्या है। यानी एक बात समझ लीजिए कि अमेरिका चाइना के आगे काफ़ी नरम पड़ रहा है, वही पूछ रहा है भाई साहब आप अपनी रेड लाइन बता दीजिए, हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे। उधर जर्मनी ने चाइना को तगड़ा झटका दे दिया है मेरे दोस्तों। हुआ ये है कि चाइना जर्मनी की चिप बनाने वाली एक कंपनी में मोटी इन्वेस्टमेंट करने वाला था। जर्मनी की सरकार ने इस इन्वेस्टमेंट को ठुकरा दिया ये कहते हुए कि अगर ऐसा हुआ, चाइना हमारे देश के अंदर घुसा और फंडिंग करी और चिप बनाने वाली कंपनी के अंदर वो चाइना घुसता है तो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर का खतरा अब सता रहा है अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान को। तो बाइडन ने जापान और साउथ कोरिया से इस मुद्दे पर, जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है, उस पर बात करी है। वहीं जापान और अमेरिका 2 साल बाद सबसे बड़ा महायुद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं जिसमें 36,000 सेना शामिल होगी दोनों तरफ से। तो आप समझ सकते हैं एक तरफ तो ये शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ से नॉर्थ कोरिया को भड़काने का भी काम करते हैं। वहीं दोस्तों इजिप्ट में क्लाइमेट चेंज की मीटिंग चल रही है, आपको मैं पहले ही कल बता चुका हूं। अब हुआ ये कि उस मीटिंग में एक लिस्ट जारी की है कि कौन से देश सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, उसमें चाइना और भारत भी हैं प्रदूषण फैलाने वाले देशों में, जिसकी वजह से प्रकृति पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो 2 आइलैंड हैं, एंटीगुआ और बारबाडोआ, इन दोनों ने भारत और चाइना से मुआवजा मांगा है कि आपने जो इतना नुकसान किया इसका मुआवजा भरें। वहीं भारत के लिए एक बुरी खबर, मालदीव की राजधानी में एक कारखाने के ऊपर लोग रहते थे, मजदूर रहते थे, उसमें आग लग गई, वो 10 के 10 मजदूर मारे गए। बुरी खबर ये है कि उस 10 में से 8 मजदूर भारत से थे। वहीं एलन मस्क से काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत होने लगी है। मुझे पता है कि आप लोगों में भी ऐसे कई लोग होंगे, लेकिन अमेरिका के बाइडन को दिक्कत होगी ऐसा हमने नहीं सोचा था। जी हाँ, बाइडन को तकलीफ़ होने लगी है। बाइडन ने अब बड़ा बयान दिया है, बाइडन ने कहा है कि एलन मस्क और उनकी फॉर्म जो है विदेशी लोगों से और दूसरे देशों के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो थोड़ा नज़र रखने लायक हैं, उन पर नज़र रखनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। अब बाइडन के इस बयान से एक बात क्लियर हो गई है कि अमेरिका के निशाने पर अब एलन मस्क हैं और उनकी जांच पड़ताल अब शुरू कर दी जाएगी। सुनिए बाइडन का बयान। आई थिंक दैट एलन मस्क कोऑपरेशन एंड और टेक्निकल relationships with other countries is worthy of being looked at. Whether or not he is doing anything inappropriate, I'm not suggesting that. I'm suggesting that it's worth being looked at. But that's all I'll say. उधर ब्रेकिंग न्यूज़ आपको यहीं दे दूँ तो फ्रांस के केमिकल प्लांट में जबरदस्त धमाका हुआ है। वजह सामने नहीं आई है, बस तस्वीर जरूर है मेरे पास जो आपको दिखाऊंगा।
उधर अमेरिका के फ्लोरिडा में दोबारा से जबरदस्त तूफान आया है। 210,000 लोग बिना बिजली के इस वक्त वक्त गुजार रहे हैं। That's a Hollywood beach. The water from the ocean. Can't be the Hollywood. Look how fast it's flooding. Hollywood Broadwalk. तो दोस्तों ये थी आज की इंटरनेशनल प्राइम टाइम, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें। फिर से बता रहा हूँ, खबरें बहुत होती हैं लेकिन हम बहुत छाट के बहुत ही शॉर्ट में आपके सामने रखते हैं। अगर आप कहेंगे तो आपके सामने आकर सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम। इस रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद। बस इतनी सी बात बोल के चले जाया करेंगे एक खबर बता के, ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए कि हम खबर को छोटा, लोग चाह रहे हैं हम रील बनाना, कच्चा बादाम, हाँ कच्चा बादाम नहीं कर सकते हम, समझ रहे हैं आप। लोग रील की आदत हो गई, लोगों को रील की, शॉर्ट की, ये सब हम नहीं कर सकते भाई। खबर आपका ही नुकसान होगा, खबर आपको मिलेगी नहीं। वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है भाई। मेरा एफर्ट कम हो जाएगा, मेरी टीम को काम कम करना पड़ेगा, पूरी दुनिया में से चार पांच खबर निकाल के रख देंगे, अपना काम हो जाएगा। और हम 20-22 मिनट की वीडियो रिपोर्ट के अंदर 20-22 खबर नहीं, कम से कम 40 खबरें दे देते हैं। तो सोचिए 5-6 मिनट की वीडियो में हम 4-5 खबर बताएंगे और दिन की 5-6 वीडियो एक ही रिपोर्ट से टुकड़े करके बना देंगे। तो हमारा तो फ़ायदा है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और सही बात की डिमांड कीजिए। जय हिंद।